हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी एक इंस्टाग्राम के यूजर हैं तो दोस्तों ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों इंस्टाग्राम के अंदर बहुत सारे ऐसे फिल्टर्स हैं जो कि आपने नहीं देखे होंगे, और दोस्तों आपने किसी दूसरे के फ़ोन में वो फिल्टर देखे हैं। आप उन फिल्टर को आप अपने फ़ोन में कैसे ला सकते हैं, कैसे उन फिल्टर्स को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से फिल्टर को डाउनलोड करना है और आप उन फिल्टर को अपने फ़ोन में लाके आप अपनी फिल्टर से अपनी क्वालिटी को बहुत ज़्यादा बेस्ट बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ, आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ कि आप उन फिल्टर को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपनी वीडियो क्वालिटी को, फोटो की क्वालिटी को आप कैसे जो है बेस्ट क्वालिटी में बना सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इस वीडियो को शुरू से के लास्ट तक वॉच करना, तभी आपको जो वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों, क्योंकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए मिलती रहे आगे से। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप भी इंस्टाग्राम के यूजर हैं और दोस्तों अपने इंस्टाग्राम में दोस्तों बहुत सारे फिल्टर्स को लाना चाहते हैं तो दोस्तों कैसे ला सकते हैं, आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप जो है वीडियो का हर स्टेप बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर प्रैक्टिकली आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से हम जो है अपने फिल्टर्स को ला सकते हैं, न्यू फिल्टर्स को ला सकते हैं, जो ट्रेंडिंग फिल्टर्स हैं उनको कैसे ला सकते हैं। तो दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम को दोस्तों अपडेट कर लेना है। तो हम प्ले स्टोर में जाते हैं, प्ले स्टोर में जाने के बाद में आप ऊपर सर्च बार में सर्च कर देंगे इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम सर्च करने के बाद में अगर आपका इंस्टाग्राम दोस्तों यहाँ पे अपडेट नहीं है तो आप अपने इंस्टाग्राम को दोस्तों अपडेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं अपने इंस्टाग्राम को दोस्तों अपडेट कर लेता हूँ और मेरा यहाँ पे पहले से अपडेट है अगर, तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मेरा इंस्टाग्राम ओपन हो जाएगा और दोस्तों आप यहाँ पे अपनी स्टोरी वाले आइकन पे क्लिक कर देते हैं और दोस्तों ऊपर की तरफ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कैमरे वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कैमरे वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से एक इंटरफेस जो नज़र आ जाता है, आपको यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स मिल जाते हैं। अब दोस्तों आप न्यू फिल्टर्स लाने के लिए क्या करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों कैमरे के नीचे जो आइकन है आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, आपको यहाँ पे ब्राउजर इफेक्ट गैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स जो देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब काफ़ी सारे फिल्टर्स हैं आपको मिल जाएंगे। आप किसी फिल्टर पर क्लिक कीजिए और आपको दोस्तों ट्राई इट पर क्लिक कर देना है और आपके सामने वो फिल्टर जो है ओपन हो जाएगा। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा फिल्टर है वो ओपन हो चुका है। अब दोस्तों इसमें कई सारे कलर्स दे रखे हैं, हम एक एक करके सारे कलर्स को चेक कर सकते हैं और हम अपनी वीडियो क्वालिटी को बहुत ज़्यादा बेस्ट बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम जो किसी भी फिल्टर्स को, यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स हैं उनमें से किसी को भी हम चूज कर सकते हैं और अपनी वीडियो क्वालिटी को और ज़्यादा बेस्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आप भी दोस्तों बहुत सारे फिल्टर्स को यूज कर पाएंगे और अपनी जो क्वालिटी है वीडियो की या फोटोज़ की वो बहुत ज़्यादा बेस्ट बना पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए इस चैनल पर मिलती रहती है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।